तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से एक वीडियो शूट कर लेना है। देन शूट करने के बाद आपको काइन मास्टर ऐप में आ जाना है। देन आने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट करने के बाद आपको उस वीडियो को इंपोर्ट करना है जिस वीडियो को आपने शूट किया है। देन उस वीडियो को शूट करने के बाद आपको उसको देख लेना है ध्यान से, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। देन यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट कट होने के बाद आपको उस जगह पे स्प्लिट करना है जिस जगह पे आप फ्लाई कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं इस जगह पे फ्लाई कर रहा हूँ, तो यहीं पे मैं इसको कट कर दूँगा इस पोजीशन पे। और इसको कट करने के बाद यहीं पे आपको एक कैप्चर कर लेना है फ़ोटो। देखिए कैसे करता हूँ, इस पर कैप्चर एंड सेव वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका यहीं से एक फ़ोटो कैप्चर करके सेव हो जाएगा। देन एक आपको वो उस वीडियो को स्प्लिट करना है जो आप फ्लाई करते हुए नीचे जंप कर रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे एक स्प्लिट कर लीजिए, देन यहीं पे एक फ़ोटो भी कैप्चर कर लीजिए। देन ये करने के बाद यहीं से आप स्प्लिट कर दीजिए। देन ये करने के बाद आपका जो थर्ड वाला है जो आप साइड फ्लाई कर रहे हैं, तो उसको भी आपको स्प्लिट कर देना है कुछ इस तरह से। यहीं से आपको इसका एक कैप्चर फ़ोटो ले लेना है। देन यहीं से आपको उसको स्प्लिट कर देना है। एक खाली कैप्चर इमेज लेना है। तो इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन में आना है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन इसके यूज़ से आपने जो फोटो कैप्चर किया है उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसके बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूँ। देन इसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। देन ऊपर आपको सेव वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। फिर इसे जो फ्लाई करते हुए जंप किए हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। देन उसको सिलेक्ट करने के बाद इसका भी बैकग्राउंड यहाँ से आपको इरेज कर देना है। देन इसके बाद आपको वापस से काइन मास्टर ऐप में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने जो बैकग्राउंड इरेज किया था उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको फुल स्क्रीन में फिल कर देना है। देन यहीं पे आपको उस फोटो को इंपोर्ट करना है जिसको आपने खाली जगह पे कैप्चर किया था। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एनिमेशन का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्लाइड करके इस प्लस वाले पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद ये जो आपका इरेज वाला फोटो है इसको पूरा ऊपर कर देना है। ठीक है, इसको एक एनिमेशन देना है जो अप करके जाएगा, फ्लाई करेगा। फिर इसको भी थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से एनिमेशन के एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट करके उसको डिलीट कर देना है। अब नेक्स्ट वाला जो हमने इरेज किया था फोटो उसको सेलेक्ट कर देना है। दिन इसको भी हमको पूरे स्क्रीन पे फिल कर देना है। फिर इस फोटो के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। कट करने के बाद इसको एक एनिमेशन देना है। एनिमेशन देने के लिए प्लस वाले पे क्लिक करना है। फिर इस फोटो के स्टार्टिंग पॉइंट को सबसे ऊपर कर देना है। इसके बाद आपका कुछ वीडियो इस तरह से दिखेगा। फिर इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा साइट फ्लाई। इसको एनिमेट करने के लिए सबसे पहले आपको उस इमेज को इंपोर्ट करना है जिसको आपने इरेज किया था। इसको भी पूरी स्क्रीन में फिल कर देना है। इसके बाद आपको इस फोटो को भी एनिमेट करना है। एनिमेट करने के बाद आपको सिंपल से एनिमेशन वाले पे क्लिक करना है। देन इसको इसका जो सेकेंड लेयर है इसको सबसे ऊपर कर देना है। अब बारी आती है स्टॉर्म इफेक्ट का, तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं। Thank you.